उमेश कुमार। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यही वो नाम है जिनके स्टिंग ऑपरेशन ने उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया था। कहते हैं भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले इसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना माना नाम रहे यही उमेश कुमार अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये वही खानपुर सीट है जहां से बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार 4 बार से विधायक हैं। ऐसे में इस बार खानपुर सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पत्रकारिता से सीधे राजनीति में उतर रहे उमेश कुमार को यह कदम भी प्रणव सिंह चैंपियन की वजह से ही उठाना पड़ा है। खुद उमेश कुमार ने बताया कि बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने उन्हें 1-2 बार नहीं कई बार धमकी दी और चैलेंज दिया था। फिर क्या था, खानपुर की जनता और यहां की समस्याओं को देखते हुए उमेश कुमार ने उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया और उतर गए चुनावी मैदान में। अब देखना यह है कि तेज तर्रार पत्रकार उमेश कुमार क्या बीजेपी के कद्दावर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को टक्कर दे पाएंगे। 4 बार के विधायक को हराने के लिए वो क्या रणनीति बना रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने एनएमएफ न्यूज को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया। आप भी सुनिए एनएमएफ न्यूज की उमेश कुमार से खास बातचीत। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड की जो एक राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है तो वो हरिद्वार जिले में पड़ने वाली खानपुर विधानसभा सीट पे है, क्योंकि इस सीट से इस बार ताल ठोक रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार। उमेश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के जिस हिसाब से इन्होंने आवाज़ उठाई थी और पत्रकारिता की थी उसकी वजह से उत्तराखंड की सरकार बिगड़ी थी। तो अब हम जानते हैं उमेश कुमार जी से कि खानपुर विधानसभा सीट से वो क्यों ताल ठोके। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। राजनीति में आने की वजह और खानपुर विधानसभा सीट को क्यों आपने चुना? देखिए, खानपुर सीट को मैंने नहीं चुना, खानपुर सीट ने मुझे चुना, क्योंकि पत्रकारों को लेकर एक विवाद शुरू हुआ विधायक जी के साथ। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने हमारे पत्रकार साथियों के साथ बदतमीजी करी। उस बदतमीजी का जवाब देने से शुरू हुई जंग वो आम जनता की जंग में बदल गई, क्योंकि जिस तरीके से हम क्षेत्र में घुसते गए जाते गए वो हमें चुनौती देते रहे, यहाँ आके दिखाओ वहाँ आके दिखाओ। जहाँ की उन्होंने हमें चुनौती दी कि आप इस क्षेत्र में आके दिखाओ, हमने उसी क्षेत्र में जाकर उनको बताया और इस तरह धीरे धीरे हमें जो क्षेत्र में व्याप्त समस्याएँ हैं उनका पता चलता गया और अंत में सभी पत्रकार साथियों ने और जो हमारे सहयोगी हैं सब ने तय किया कि हमें यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। हमने उन सब की बात को माना और हम यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। अगर खानपुर की बात करें तो लगातार 4 बार से मौजूदा जो विधायक हैं प्रणव सिंह वो हैं यहाँ पे, लेकिन खानपुर विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और कितना बदलाव भी होना बाकी है? देखिए, खानपुर विधानसभा जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, खादर में और इधर ढंडेरा मिलापनगर लंडोरा और ये वाला इलाका। यहाँ दोनों तरफ जो हैं वो समस्याएं अलग अलग हैं। गांव देहात के क्षेत्रों में जो है छोटी छोटी सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी की निकासी है, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं और रोज़मर्रा की परेशानियाँ हैं जो प्रशासन को लेकर हैं। कोई तहसीलदार से पीड़ित है, कोई पटवारी से पीड़ित है, कोई बिजली के जो इंजीनियर से पीड़ित है। उसके बाद जब हम लंडोरा से इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलाप नगर, मोहनपुरा, शिव कॉलोनी और ये जो आपका पूरा क्षेत्र है इधर, ये क्षेत्र डूब क्षेत्र की तरह बना हुआ है। यहाँ पर पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। 50 सालों से लगभग यहाँ 4 बड़े तालाब ऐसे हैं जिसमें इस क्षेत्र की जनता के शौचालयों से निकल कर पानी जाता है। बच्चे 1.5-1.5 फुट पानी के अंदर भरी ठंड में भी, आज भी जब बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे तो 1.5 से 2 फुट ऊपर अपनी पैंट करके मासूम बच्चे बैग लटकाकर स्कूल जाते हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि बच्चों के पैरों में भी सूजन आ जाती है। नरक से भी बदतर हालातों में यहाँ के लोग जी रहे हैं। अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे कि तालाब
की स्थिति क्या है तो आपको लगेगा। हमने उसके ऊपर काम किया, हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, हमने चैम्बर बनाए, हमने पंपिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए और 20 दिनों में जो काम हमने इस क्षेत्र में किया है वो ऐतिहासिक काम है। 20 सालों के काम की तुलना आप 20 दिनों से करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि काम अब हुआ या तब हुआ। 20 सालों में इस क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी नहीं आई, एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बना, एक बड़ा स्कूल नहीं बना। जो आम समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना तो आम समस्याओं का, जनमानस की समस्याओं का निराकरण हुआ और ना मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिली, जिसके लिए आज पूरा का पूरा क्षेत्र शोषित, पीड़ित और वंचित है। सर, जिस तरीके से आपने अभी चुनाव मैदान में आप आए हैं, उसके पहले ही कई ऐसी काम आपने करा दिया, तो क्या इसी से मौजूदा विधायक जो है वो बौखलाए हुए हैं और आपको तरह तरह की धमकियाँ भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और ऐसे भी? देखिए, क्या है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो धमकियाँ देते हैं, जिनमें दम होता है वो करके दिखाते हैं। हम तो विधायक जी हमारी हड्डियाँ तोड़वाने की बात करते हैं, हम तो कह चुके हैं कि अगर आपकी हैसियत है तो हड्डियाँ तोड़वा के दिखाओ। वो हमको कहते हैं हम क्षेत्र से उठवा के बाहर फेंकवा देंगे, आज तक तो हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। भाई ऐसा है ना, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, किसी के बाप की विधानसभा नहीं है कि कोई ये तय करेगा कि यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। आम हिंदुस्तानी को, जो इस देश का नागरिक है, उसको इस देश की सीमा में किसी भी क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता यहाँ का संविधान देता है। तो ये मुझे क्या रोकेंगे, बेचते क्या हैं ये? हैसियत की भी कई बार उन्होंने बात की। अब वो हमारी हैसियत पूछते हैं, उनकी हैसियत हमने उनको कई बार दिखा दी है, अब वो हमारी हैसियत जब हमें दिखाना चाहे तब दिखाएं, उनका स्वागत है। अगर बात करें उत्तराखंड में जो सरकार में भ्रष्टाचार था उसको लेकर के भी आवाज़ आपने उठाई और संघर्ष करते करते आपको पत्रकारिता की वजह से जो आपने आवाज़ उठाई उसकी वजह से आपको जेल तक जाना पड़ा था, तो अब आप खुद एक तरीके से सरकार में मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? लोग आंदोलन करते थे, लोग जेल जाते थे, लोगों ने इस देश के लिए भी आंदोलन किए, लोगों की हत्याएं हुई, लोग फांसी चढ़े, जेल गए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में लोग जेल गए, लोगों ने अपनी शहादत दी। तो मुझे त्रिवेंद्र रावत जी ने जिस भ्रष्टाचार के चलते जेल छुपाने के लिए जेल भेजा था, वो खुद ही उस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए, उनके खिलाफ़ सीबीआई जांच के आदेश हो गए। आज आप देख लीजिए वो कहाँ है, जो दम भरा करते थे कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कौन सा ज़ीरो टॉलरेंस, कौन से ज़ीरो टॉलरेंस? 4 साल भ्रष्टाचार की सरकार चलाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उनके राज में खनन, शराब माफिया, भू माफिया सब ने मलाई काटी और उनके राज में उनके रिश्तेदारों ने मलाई काटी। उनके रिश्तेदारों ने खनन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनके रिश्तेदारों ने भांग की खेती को बढ़ावा दिया। ऐसा कौन सा धंधा है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के राज में नहीं पनपा? तो हमने तो सच दिखाया और उस सच के चलते उन्होंने हमें जेल भेजने का प्रयास किया, सफल भी हुए वो, लेकिन उसके बाद उसी भ्रष्टाचार के चलते उनके खिलाफ़ सीबीआई हुई, उनको जाना पड़ा। सर, अब आपने उत्तराखंड के लोगों को करीब से देखा है, कोरोना के जैसे मुश्किल दौर में भी कोई सरकार लोगों की इतनी मदद नहीं कर पा रही। आप लोगों को बाहर से जब आ रहे थे वापस, आपने पहाड़ियों की बहुत मदद की, तो किस तरीके की स्थिति उस समय थी कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान? देखिए, कोरोना काल के दौरान क्या स्थिति है यहाँ सबको पता है, स्थिति बड़ी विकट थी, त्राही माम था चारों तरफ। और ऐसी स्थिति में अगर आप सक्षम हैं और आप जनहित के लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है करना चाहिए था। जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज था, ये फ़र्ज हर किसी व्यक्ति को वो जितना भी निभा सके निभाना चाहिए। सर, इस समय आप लगातार जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किस तरीके के लोग रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? देखिए, रिस्पांस जो है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय है। लोगों का प्यार मुझे अपेक्षा से ज़्यादा मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि उनका प्यार मुझे हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा, मैं उनके बीच में बना रहूँगा। एक सवाल ये है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो आप क्या किसी पार्टी के तरफ जाएंगे या एक निर्दल उम्मीदवार? हम किसी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाएंगे, जिसको टिकट देना होगा हमें आमंत्रित करें, निमंत्रण दें, उन्हें लगता होगा कि हम लड़ सकते हैं उनकी पार्टी से और जीत सकते हैं तो दें, नहीं तो हमें किसी पार्टी से कोई टिकट की दरकार नहीं है, निर्दलीय लड़ेंगे। सर, लगातार आप उत्तराखंड के लोगों की मदद किए हैं और लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि उमेश कुमार हेलीकॉप्टर से आते हैं, कुछ स्टार्स को उतारते हैं, रोड शो है, कोई स्टार उतरता है तो उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, ज़रूरी नहीं कि वो वोटर हो, उनको क्या कहें? ऐसा है कि
रोड शो दो लोगों ने किया, मोहम्मद शमी और सुरेश रैना। उसके अलावा जो रैलियां थी उनके बारे में उनका क्या कहना है? उसके अलावा भी लगभग 4 से 5 रैली ऐसी हुई हैं जिसमें कि उन रोड शो से ज़्यादा सैलाब आया था, वो किसे देखने आया था? प्रणव सिंह चैंपियन को इस बार आप चुनौती दे रहे हैं। वो कोई चैंपियन नहीं है, प्रणव सिंह है। मैं ना तो उनको कुंवर मानता हूँ ना चैंपियन मानता हूँ। चैंपियन है तो अपने दस्तावेज दिखाएं। कुंवर के टाइटल 1950 में ख़त्म हो चुके। कोई कुंवर कुंवर नहीं है, कोई राजतंत्र नहीं है। हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, मैदान है, हर किसी को लड़ने का अधिकार है, लड़ेंगे और देखेंगे किस में कितना दम है। उत्तराखंड के लिए आगे क्या सोचें आप? उत्तराखंड के लिए जो भी होगा जनहित में अच्छा किया जाएगा, जनमानस के लिए अच्छा किया जाएगा। जीतेंगे तब भी किया जाएगा, नहीं जीतेंगे तब भी ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। ये हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार वो भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार से लड़ते रहे हैं, आने वाले समय में भी उसी तरीके से जनता की सेवा के लिए वो लगातार खड़े रहेंगे।